आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपना YouTube परिवार माधव एनसीईआरटी क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं माधव कुमार और आज के क्लास में कक्षा 10 हिंदी का पाठ 6 हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है जनतंत्र का जन्म। यह पाठ पद खंड का है। गद हम लोग 10 तक पढ़ चुके हैं, 2 पाठ उसमें बचा हुआ है। क्वेश्चन उत्तर सब कुछ हम लोग यहाँ पढ़ देते हैं, वहां यहाँ तक कि आपका टेस्ट भी डेली होता है। तो टेस्ट कैसे आपको देना है, किस तरह से आपको देना है, वो सब हम आपको इस वीडियो में चर्चा कर लेंगे। पहले हम लोग इस पाठ को पढ़ते हैं, परिचय जानते हैं। एक एक सवाल आपके अंदर आ जाएगा, जो भी एग्जाम में पूछा जाता है वो सभी प्रश्न आपके अंदर आ जाएगा। यह लेखक का परिचय बताएंगे, परिचय के साथ साथ कुछ पाठ का भी बात करेंगे, इसमें कैसा कैसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है। होता क्या है, जितने भी सब्जेक्ट है एक पाठ का 3-4 हिंदी की बात करते हैं, 3-4 क्वेश्चन ऐसा होता है इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, बाकी सब जेनेरिक होता है। जैसे मेडिकल कहीं पर जाओगे दवा लेने, तो वहां 2 तरह से दवा मिलता है आपको। उसी प्रकार क्वेश्चन 2 तरह के होते हैं, एक होता है कि इंपोर्टेंट पूछने वाला, एक होता है जेनेरिक क्वेश्चन। दवा लीजिएगा मेडिकल में, एक होता है इथिकल होता है, इथिकल का मतलब कि ओरिजिनल ब्रांड कंपनी होता है, एक होता है जेनेरिक जो जनरल है जिसमें इनकम बहुत ज्यादा होता है। समझ रहे बात को, ऐसा ही बात होता है हर एक विषय के साथ होता है। तो हिंदी में जो है कुछ ऐसा प्रश्न इस पाठ का, हर एक पाठ का होता है, जो क्रीम होता है, क्रीम बार बार वो पूछा गया रहता है या पूछने वाले रहते हैं, इंपोर्टेंट प्रश्न रहते हैं। बाकी सब जो प्रश्न हो जाते हैं वो सब प्रश्न क्या होता है, जेनेरिक होता है, वो सब पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछ सकता, ये प्रायिकता पे निर्भर करता है। चलिए ये सब बात तो बाद में भी करेंगे, चैप्टर को पहले स्टार्ट करते हैं, फॉर कंटिन्यू वीडियो करते हैं। तो पाठ 6 है जिसका नाम है जनतंत्र का जन्म। इस यह पाठ जो है यह एक कविता है, इसकी विधा कौन सी है, यह एक कविता है। यहाँ पे याद रखिए यह क्या है, कविता है। ध्यान रखिएगा पूछा जाता है जनतंत्र का जन्म क्या है, कहानी, कविता, निबंध या साक्षात्कार या यात्रा वृत्तांत। तो आप कह दीजिएगा भैया ये कविता है, क्या है, ये कविता है, बिल्कुल तरह से आपको याद हो जाना चाहिए। अगला है कवि कौन है, जो कविता लिखते हैं उसे कविता कवि कहा जाता है। इस पाठ के कवि है रामधारी सिंह दिनकर, इसके बारे में बहुत अच्छे से जानना है तो आ जाइए हमरे बिहार, हमरे बिहार में हमरे गांव यानी समस्तीपुर। इनका ससुराल बगल में है और जन्म बगल बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, सिमरिया के आसपास, ठीक है, बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट सिमरिया में इनका जन्म हुआ है। ससुराल बगल में टबका, तो ससुराल हम लोग के घर के पास पहुंचता है, इससे आपको पता चल गया हो कि हमारा घर कहाँ है, ठीक है। कमेंट कीजिएगा जो भी पूछना है। बाकी बात करते हैं किस युग के कवि हैं, ये पूछा जाता है जैसे कि किस युग के कवि है, काफी चैप्टर में आप ऐसा देखते हैं इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी है ये छायावादी युग के कवि है, किस युग के छायावादी, इसको राष्ट्रवादी भाव, राष्ट्रवादी भावना इनके अंदर बहुत ज्यादा था। क्वेश्चन यहाँ तक पूछा जाता है नौवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां, तेरहवां, चौदहवां, पंद्रहवां, यानी कॉम्पिटिशन में भी पूछा जाता है कि राष्ट्र कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो राष्ट्र कवि के नाम से भैया रामधारी सिंह दिनकर को ही जाना जाता है, जिनका जन्म बिहार के बेगूसराय में हुआ है, ठीक है, मिलना है तो आइए बेगूसराय। चलिए इनका जन्म कब हुआ था, बात करते हैं जन्म की। इनका जन्म जो हुआ है 23 सितंबर, देखिए बड़ा मृत्यु काल इनका बड़ा अच्छा है, 23-24, भगवान करे सबको ऐसा हो, मतलब आप लोग का नाम 23 सितंबर को इनका जन्म हुआ 1908 में, और डेट देखिए 24 तारीख को हुआ है, ठीक है, डेट क्या हुआ है 24 तारीख को हुआ है 1974 में, ठीक है। प्रमुख कृतियां क्या है, रसीम रथी, यहां से ढेरी प्रश्न पूछा जाता है, ढेरी कहेगा रसीम रथी के रचनाकार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। हुंकार पाठ के लेखक कौन है, इनकी रचना है, किनकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर। रेणुका के लेखक कौन है, कवि कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी काफी इंपोर्टेंट, ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था, किनको, रामधारी सिंह दिनकर, ज्ञानपीठ पुरस्कार। पूछा जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर इनको मिला था, तो कहिएगा उर्वशी पे मिला था, ठीक है। 4 अध्याय संस्कृत के 4 अध्याय, यह भी आया है, किनकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर। यह प्रश्न भी आपसे काफी बार पूछा गया है और पूछा जाता भी है, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इसमें इनको, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये 2 बात याद रखिएगा 12th वाले बच्चे भी, ठीक है। पूछा जाता है किस रचना पर रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो उर्वशी पे। पूछा जाता है संस्कृत के 4 अध्याय के रचना पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। या प्रश्न ऐसे पूछेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार
किस रचना पर मिला था, या साहित्य अकादमी पुरस्कार किन रचना पर मिला था इनको, तो कह दीजिएगा संस्कृति के चार अध्याय पे। उम्मीद करते हैं यह क्लास अगर आप सही ढंग से यहाँ तक कर लिए होंगे तो शायद एक भी प्रश्न आपसे एग्जाम में नहीं छूटने वाला है, क्योंकि सब कुछ को यहाँ पर निकाल करके पूरा हिंदी इस पाठ में निकाल करके यहाँ पर रख दिए हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम भी ना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते तो बेहतर होता, क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आगे देखते हैं वीडियो में। सब्जेक्टिव आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो कमेंट कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम ज्वाइन होगा, वहाँ पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएगा, डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर डेली ऑनलाइन टेस्ट आप देना चाहते हैं किसी भी क्लास के बच्चे हैं, आप लोग गूगल पे जाइएगा, गूगल पे और सर्च कीजिएगा madhavnc.com। ये बात अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके सामने जो नया पेज ओपन होगा, होम पेज पे क्लिक करके आपको आ जाना, वहाँ पे आपको सारे क्लास का टेस्ट मिल जाएगा, सारे क्लास का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश मतलब सभी विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो पे आकर के, और वहाँ से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार आप लोग जरूर जाइएगा, चेक कीजिएगा, आपके लिए बहुत कुछ वहाँ पर फ्री में उपलब्ध है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।